हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ललिता मालवीय गुरुकुल। टुडे अवर टॉपिक इज जेनेटिक कोड। जैसा कि बेटा आप लोग सब जानते हैं कि जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस या एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना, इन ह्यूमन बींग्स आर एनी लिविंग थिंग्स, है ना, जिस भी लिविंग थिंग्स में ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ जो होती है, दे आर रिक्वायर्ड एंजाइम्स। उनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए? एंजाइम्स की। और बेसिकली जो भी एंजाइम्स है वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। और प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड के बने होते हैं। अमीनो एसिड जो है वो स्मॉल यूनिट है प्रोटीन फॉर्मेशन की, ठीक है। जब अमीनो एसिड के बीच में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, बनते हैं, बॉन्डिंग होती है और एक चेन बनती है और फिर वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। बेसिकली अभी तक इन आवर जेनेटिक्स 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड जो है वो डिस्कवर किए जा चुके हैं। कितने? 20, ठीक है, 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड है, लेकिन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस में अरेंज हो करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन जो है वो फॉर्म करते हैं, ठीक। तो आज हम ये देखेंगे कि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस है, बेसिकली ये किसके द्वारा होती है और कैसे होती है। आप जैसा कि जानते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस के लिए किसके रिक्वायरमेंट होती है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आरएनए रिस्पॉन्सिबल होता है। एमआरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। और एमआरएनए को इसके लिए कोडिंग कौन करता है? एमआरएनए को कोडिंग करता है डीएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन मेथड। ट्रांसक्रिप्शन मेथड जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, देखेंगे आप मेरे चैनल पर, तो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डीएनए विल कोडिंग टू एमआरएनए। डीएनए जो है वो एमआरएनए को कोड करता है। एमआरएनए का इस कोडिंग का क्या होता है? फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है और देन फिर प्रोटीन का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए डायरेक्टली तो डीएनए से ही क्या बनेगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। डीएनए से ही प्रोटीन फॉर्मेशन होगा। तो ये जो डीएनए है ये प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए जो भी मैसेज दे रहा है या जो भी मैसेज आगे कन्वे कर रहा है या जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो इंफॉर्मेशन एक्चुअल में कैसे जा रही है? तो वो इंफॉर्मेशन जाती है कोडिंग के रूप में, कोड्स के रूप में। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि डीएनए बेसिकली जो है वो 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस से क्या हुए बना हुआ है। 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस, दैट मींस कि एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन, ठीक है। ये 4 कोडिंग जो है एंटी पैरेलल, चूंकि डीएनए जो है इस डीएनए जो है वो किसका कोडिंग करेगा? फिर एमआरएनए का कोडिंग करेगा। तो एमआरएनए के कोडिंग में इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग होगी। कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग होगी मतलब ए तो आएगा ही, जी भी आएगा, सी भी आएगा, लेकिन सिर्फ क्या बदल जाएगा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग में? टी की जगह पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर यू आ जाएगा। टी की जगह पर क्या आएगा? यूएसिल होगा। और फिर जब इसकी कोडिंग हो जाएगी, ये आगे जब ट्रांसलेट किया जाएगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। पर ये जो डीएनए जो एमआरएनए जो तैयार कर रहा है, एमआरएनए को जो कोड कर रहा है ना, वो कोड क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, बेसिकली वो किस तरह से अरेंज होते हैं और फिर प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये कोडिंग किसके लिए हो रही है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हो रही है, ठीक है। तो अभी हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। देखिए, द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ इन एमआरएनए, अभी मैंने आपको बताया डीएनए से किसकी कोडिंग की गई? एमआरएनए की कोडिंग की गई। विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड, ये भी आपको बताया कि एक प्रोटीन जो है वो किससे मिलके बना हुआ है। बेसिकली प्रोटीन जो है वो किससे मिलके बना है? अमीनो एसिड्स से। अमीनो एसिड्स के बीच में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, देन एक चेन सी बनती है, पॉलीमर चेन बनती है, और ये पॉलीमर चेन जो है यही क्या कहलाती है? प्रोटीन कहलाती है। तो क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स का वह सीक्वेंस जो एमआरएनए में कोड किया जाता है पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए, वेयर इज द जेनेटिक कोड इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या नाइट्रोजन बेस इन एमआरएनए मॉलिक्यूल व्हिच इनक्लोज द इंफॉर्मेशन।
जिसमें कि वो इन्फॉर्मेशन इनक्लोज होती है या बंद होती है या पैक होती है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम उस कोड को, उस जेनेटिक कोड को क्या कहेंगे, उस जेनेटिक कोड को ही कोडोन्स कहते हैं। क्या कहेंगे उस जेनेटिक कोड्स को, कोडोन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने कि उसको हम कोडोन्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कोडोन्स। ठीक, जेनेटिक कोड बेसिकली फिर क्या है, अगेन आई विल रिपीट, जेनेटिक कोड वह है, न्यूक्लियोटाइड्स का वह सीक्वेंस है जो एमआरएनए में कोड किया जाता है पर्टिकुलर अमीनो एसिड, पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमीनो एसिड को बाइंड करने के लिए। जेनेटिक कोड उसे कहते हैं जो न्यूक्लियोटाइड से नाइट्रोजन बेस का वह सीक्वेंस है जो एमआरएनए मॉलिक्यूल में क्या किया जाता है, कोड किया जाता है, और वो क्या करते हैं आगे चल के प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, दे आर कॉल्ड जेनेटिक कोड, उसी को हम जेनेटिक कोड कहते हैं। अब इससे भी रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं भाई, जेनेटिक कोड अब कैसे होगा जेनेटिक कोड, जैसा कि आपको मैंने बताया कि डीएनए में कितने नाइट्रोजन बेस हैं, 4 नाइट्रोजन बेस हैं। ठीक है, 4 नाइट्रोजन बेस हैं, अगर एक नाइट्रोजन बेस एक को कोड करता, एक अमीनो एसिड को कोड करता, तो 4 नाइट्रोजन बेस कितने अमीनो एसिड को करते, 4 अमीनो एसिड को करते। पर जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कितने अमीनो एसिड है, 20 अमीनो एसिड है, कितने अमीनो एसिड है, 20। मतलब कि ये सिंगल कोड भी नहीं हो सकते या सिंगल कोडिंग इसमें नहीं हो सकती। अगर डीएनए का एक नाइट्रोजन बेस सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करता तो 4 से कितने होते, 4 होते। अब अगर हम इसको संख्या को बढ़ा दें, बढ़ा कैसे दें, मान लीजिए कि 4 अमीनो एसिड और 4 दोनों के बीच का यदि डबल कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इसको डबल कर दिया जाए, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो क्या कहेंगे इसको हम, डबल कोडिंग। ठीक है, अगर हम डबल कोडिंग करते, डुप्लेट भी करते, तो 4 × 4 कितने होते, ओनली 16 अमीनो एसिड। कैसे, देखिए मान लीजिए कि ये हमारे पास 4 ए सी जी यू, ठीक, यहाँ पर भी ए सी जी यू। अब इनका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मतलब हमारे पास कितने अमीनो एसिड आते, 16। पर यहाँ पर ये भी सही नहीं है, बिकॉज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कितने अमीनो एसिड हैं, 20 अमीनो एसिड हैं। तो अब हमारे पास, हमने सिंगल भी ले लिया, डबल भी ले लिया, अब हमारे पास तीसरी सिचुएशन आती है, ट्रिपलेट कोडिंग। अगर हम ट्रिपलेट कोडिंग करते हैं, जैसे अभी हमने क्या किया, इसको डबल किया, 4 × 4 × अगर हम 4 करते हैं तो क्या आता है, 64। अब आप कहेंगे कि टीचर 64, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि 20 अमीनो एसिड हैं। हाँ, बेशक 20 ही अमीनो एसिड है, लेकिन 64 हमारे पास कोडिंग आ रही है, उसमें हमारे ये 20 अमीनो एसिड इंक्लूड हो सकते हैं। पहले हमारे पास कितने थे, 16 में 20 किसी भी हालत में नहीं हो सकते, लेकिन हाँ 64 में हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो 64 कोड्स हमारे पास आ रहे हैं, इसमें ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है कि एक से अधिक कोड एक ही प्रकार के अमीनो एसिड को कोड करें। अगेन आई विल रिपीट, एक से अधिक कोड एक ही अमीनो एसिड को कोड करें, ऐसा भी हो सकता है। तो वो आगे और मैं आपको जब प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो इसमें 20 अमीनो एसिड हमारे आ रहे हैं 64 में, मतलब कहने का ये है कि ट्रिपलेट कोडिंग ही जो है वो जेनेटिक कोड में सीक्वेंस में होती है, जिसमें कि 20 अमीनो एसिड हमारे आते हैं। इसको हम समझेंगे, ये किसने दिया था, ये थॉट दिया था गेमो साइंटिस्ट ने, कब, 1954 में। गेमो साइंटिस्ट ने बताया कि ये जो भी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोडिंग होती है डीएनए के द्वारा, वो ट्रिपलेट कोडिंग होती है। दैट मीन्स कि मान लीजिए कि ए यू जी, या फिर यूं समझ लीजिए कि यू ए जी यू ट्रिपल यू, इस तरह से कोडिंग चलती है। मतलब 3 नाइट्रोजन बेस मिल करके एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। अगेन आई विल रिपीट, 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर एक अमीनो एसिड को
कोड करते हैं, इसे कहते हैं ट्रिपलेट कोडिंग। और ये थॉट, ये विचार किसने दिया था? गेमो ने दिया था। ठीक, क्या कहा? 3 नाइट्रोजन बेस ऑफ mRNA टुगेदर, जैसे कि DNA ने mRNA को कोड कर दिया, अब mRNA प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। तो mRNA में जो कोडिंग हुई है वो कितने की हुई है? 3 नाइट्रोजन बेस की हुई है। इनको तीनों को मिला करके क्या कहा जाता है? ट्रिपलेट कोडिंग, द पॉसिबल ऑफ ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स कॉम्बिनेशन। क्या होगा? 4 × 4 × 4 = 64। इस बात को आगे चल करके 3 साइंटिस्ट और हुए जिनका नाम था डॉक्टर हरविंद खुराना एंड ओकावा एंड मार्शल निरेनबर्ग। अगेन आई विल रिपीट, इन तीनों साइंटिस्ट का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये MCQs क्वेश्चंस में पूछा जाता है बेटा कि जेनेटिक कोड के लिए जो ट्रिपलेट कोडिंग वाला जो थॉट है वो किसने आगे बढ़ाया, किसने उसे डिस्क्राइब किया। तो आपको ये 3 साइंटिस्ट का नाम जो है वो ध्यान रखना है, डॉक्टर हरविंद खुराना, ओकावा, मार्शल निरेनबर्ग। ठीक है, तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस ट्रिपलेट कोडिंग को आगे और डिटेल में डिस्क्राइब किया और फिर कुछ उसके प्रॉपर्टीज बताई। पहली प्रॉपर्टीज क्या बताई कि 61 कोड्स ऑफ, अभी हमने टोटल कितने किए, 4 × 4 करके 64, उस 64 में से 61 कोड, कितने 61 कोड हमारे पास एमिनो एसिड को कोड करते हैं, लेकिन 3 कोडोन ऐसे हैं जिन्हें नॉनसेंस कोडोन कहा जाता है। नॉनसेंस किसी भी चीज़ को कब कहा जाता है? जब उसका कोई मीनिंग ना हो, मीनिंगलेस चीज़ों को क्या कहा जाता है? नॉनसेंस। ठीक, तो नॉनसेंस कोडोन कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस जो प्रोसेस है, बेसिकली जब ये स्मूथली चलती है तब इसको कोई ऐसे कोडोन्स भी होना चाहिए ना जो क्या करें, स्टॉप करें, है ना, जो क्या करें, इसको, इस प्रोसेस को स्टॉप करें। तो ऐसे कोडोन्स जो कि आगे चल करके इसको स्टॉप करते हैं, बंद करते हैं, है ना, उन्हें वो क्या कहा जाता है? नॉनसेंस कोडोन। वो किसी प्रोटीन या किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। ठीक, तो 61 प्लस 3 कितने हो गए? 64 हो गए। क्लियर, आपको समझ में आ गया? 61 कोड उसमें से अमीनो एसिड को कोड करते हैं। सेकंड पॉइंट, कोड एम्बिग्युटी। अब ये जो कोड एम्बिग्युटी है इसका मीनिंग ये हुआ कि स्पेसिफिक कोड, पर्टिकुलर कोई एक कोड जो है, मतलब ट्रिपलेट कोड की बात कर रहे हैं यहाँ। अब अगर हम कोड कहते हैं तो देट मीन्स ट्रिपलेट कोड ही है। ठीक है, तो एक जो कोडोन ट्रिपलेट कोड है वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही कोड करता है। ऐसे भी कोडोन से 64 में से कुछ ऐसे को, ऐसे अमीनो एसिड हैं जिन्हें केवल एक ही ट्रिपलेट कोड जो है वो क्या करता है, कोडिंग करता है। एक कैसे? जैसे कि मिथेनाइन। ठीक है, ये एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसको सिर्फ AUG इस ट्रिपलेट कोडिंग द्वारा ही कोड किया जाता है। और इसके साथ ये वाला आप अमीनो एसिड बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे, बिकॉज ये ही स्टार्टिंग, ये ही वो अमीनो एसिड है जो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस की जो है वो सबसे पहली सीढ़ी है, सबसे पहला क्रम है, सबसे पहली सीक्वेंस है। दैट मीन्स कि जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस की चेन बनना शुरू होगी वो यहीं से होगी, यहीं से शुरू होगी। और ये सिर्फ एक ही ट्रिपलेट कोडिंग द्वारा कोड होता है। क्या कहा है? स्पेसिफिक कोडोन्स, कोड स्पेसिफिक अमीनो एसिड, AUG मिथायोनाइन। ठीक, समझ में आ गया? क्लियर आपको? नेक्स्ट प्रॉपर्टी यदि हम इसकी डिस्कस करें तो क्या लिखा है? कोडोन्स डीजेनरेसी, दैट मीन्स कि मोर देन वन कोडोन फॉर एन अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडोन्स जो है क्या करते हैं, कोड करते हैं, एक से ज्यादा कोडोन्स। ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसा कि मैंने यहाँ कहा कि क्या स्पेसिफिक स्पेसिफिक को कर रहा है। तो इसमें दो नाम आपको ऐसे ही याद रखना है जिन्हें सिर्फ एक करता है, एक कोडोन, मिथायोनाइन एंड ट्रिप्टोफैन।
मिथायोनाइन एंड ट्रिप्टोफेन, उन 20 अमीनो एसिड में से ये दो अमीनो एसिड ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ एक ही ट्रिपलेट कोड द्वारा कोडोन किया जाता है। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल जो हैं जिनमें एक अमीनो एसिड के लिए बहुत सारे कोडोन्स भी हैं, दो या दो से अधिक कोडोन्स भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इस गुण को, इस कैरेक्टर को क्या कहा जाता है? डीजनरेसी। जब एक अमीनो एसिड बहुत सारे कोडोन से कोडोन किया जा रहा है तब डीजनरेसी कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, कोड्स आर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल कब कहा जाता है किसी चीज को? ऑल ओवर वर्ल्ड में, है ना, जो एक ही हो, एक ही बात को जब पूरे विश्व में माना जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल। जैसे यूनिवर्सल यूनिट्स भी होती ना, मेजर यूनिट्स होती, मेजरमेन यूनिट होती, ऐसे ही यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो, कोड्स आर यूनिवर्सल। दैट मीन्स कि द सेम जेनेटिक कोड प्रेजेंट इन ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे प्लांट हो, प्लांट सेल हो, चाहे बैक्टीरियल सेल, वायरल सेल, एनी अदर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो ट्रिपलेट कोडिंग अमीनो एसिड की पर्टिकुलर दी गई है वही हो सभी में, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल कोड या यूनिवर्सल कोडोन कहेंगे। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है ट्रिपल यू और फिनाइलैलोनाइन, ठीक है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। अब है नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग आप समझ गए? देखिए, जैसे मैंने क्या कहा, ट्रिपलेट कोडिंग है, दैट मीन्स कि ए यू जी यू ए सी, है ना, या सी यू डबल्यू, इस तरह की कोडिंग है। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो कोडिंग है, जैसे अभी मैंने आपको समझाने के लिए कि ट्रिपलेट है तो मैंने इसमें बीच में गैप रखी है, पर जब वहाँ पर एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है तो इस तरह से गैप नहीं आती। क्या आएगा? ए यू जी, नेक्स्ट कोडोन यू यू ए सी, ठीक है, ए जी, इस तरह से कोडोन चलता रहता है। अब यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि ट्रिपलेट कोडिंग हमने एक ये काउंट कर ली, दूसरी फिर हम यहाँ से काउंट करेंगे कि ये एक दो तीन ये हो गए, फिर आगे वाले के लिए एक दो तीन ये हो गए, हाँ, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो जब भी ट्रिपलेट कोडिंग देखी जाती है, है ना, रीड की जाती है, ट्रांसलेट की जाती है, तो ट्रिपलेट कोडिंग ऐसे मेजर की जाती है, ये एक हो गया, अगेन ये एक हो गया, अगेन ये एक हो गया, यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही, लेकिन अगर इस तरह से हम देखेंगे तो यहाँ ओवरलैपिंग हो रही। तो जेनेटिक कोड में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होती, नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है। तो हम यू भी लिख सकते हैं, ओवरलैपिंग एब्सेंट, ठीक है, नहीं होती। नेक्स्ट जो है, कोड्स आर कॉमनलेस। यहाँ पर आप देखिए, कहीं भी मैंने तीन काउंटिंग होने के बाद कॉमा नहीं लगाया है, कॉमा लगाया है नहीं। ये काउंटिंग कैसे चल रही है? कंटिन्यूएशन में। ये कोडिंग कैसे चल रही है? कंटिन्यूस में। यहाँ कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि अंदर जो हमारी सेल हैं, जो प्रोटीन फैक्ट्री है या जहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, दे कैन रीड ईजिली, ठीक है, वो इसी तरह से फॉर्म की गई हैं, वो इसी तरह से वर्क करेगी कि उनके लिए हमें डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पर जो है वो ट्रिपलेट कोडिंग खत्म हो रही है, यहाँ से नेक्स्ट कोडिंग स्टार्ट हो रही है, ये नहीं हमें करना है, ठीक है, और ये करने की ज़रूरत होती भी नहीं है। इसीलिए इसको क्या लिखा जाता है? कंटिन्यूएशन में कोई कॉमा नहीं लगाया जाता। तो क्या है ये? कॉमा लेस। स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन। स्टार्ट कोडोन में पहले ही बता चुकी हूँ आपको, स्टार्ट कोडोन जो है वो ये होता है मिथायोनाइन, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से रखना है याद कि जब भी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी उसमें सबसे पहला जो स्टार्टिंग कोडोन होगा इसी को कहते हैं स्टार्ट कोडोन मिथायोनाइन को, क्लियर। ए यू जी उसकी ट्रिपलेट कोडिंग है, ये भी आप याद रखेंगे। इसी के साथ साथ में होते हैं स्टॉप कोडोन। प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस स्टार्ट हुई है स्वाभाविक है वो कहीं ना कहीं स्टॉप भी की जाएगी, अदरवाइज कंटिन्यूशन में चलती रहेगी। तो उसके लिए जब डीएनए से एमआरएनए को कोड किया जाता है तो उसमें स्टार्टिंग कोडॉन स्टार्टिंग प्रोसेस के लिए दिया जाता है,
और टर्मिनेटिंग कोडॉन भी होते हैं या स्टॉपिंग कोडॉन भी होते हैं, जहाँ पर जाते से ही ये प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो वो कौन कौन से हैं, वो आप ये तीनों के नाम बराबर बहुत अच्छे से याद रखेंगे, UGA, UAA और UAG, दे थ्री आर द स्टॉप या टर्मिनेटिंग कोडॉन। इनको क्या कहेंगे, टर्मिनेशन कोडॉन, इन्हें टर्मिनेशन कोडॉन भी कहते हैं, जहाँ पर आकर के प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो क्या हो जाता है, स्टॉप। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। इनके नाम है, UGA को ओपल कहा जाता है, UAA को ओक्रे कहा जाता है और UAG को अंबर कहा जाता है। ठीक है, इनके तीनों के नाम हैं, ये तीनों कोडिंग आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, बिकॉज इन प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस जब हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जब डिस्क्राइब करते हैं तब आपको ये नाम और ये कोड्स जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इनको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये स्टॉप कोडॉन हो गए और वो स्टार्ट कोडॉन हो गया। अब है कॉलिनेरलिटी ऑफ DNA एंड mRNA। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जब DNA से mRNA को कोड किया जाता है, DNA से ही बेसिकली mRNA को कोड किया जाएगा, तो DNA में मान लीजिए ये DNA है, इसका टेम्पलेट है, ये mRNA जो है वो इसको क्या किया जा रहा है, कोड किया जा रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो है DNA की कोडिंग कुछ इस तरह से AUCGT, DNA में जो है वो T थायमिन होता है, ठीक है, UGT इस तरह से। तो जब mRNA की कोडिंग होगी तो कॉम्प्लीमेंट्री होगी, कॉम्प्लीमेंट्री बिकॉज हम जानते हैं कि प्यूरिन बाइंड विद द पिरामिडिन। तो एक ए के साथ में क्या होगा, यहाँ पे थायमिन आना चाहिए, नहीं, क्यों, क्योंकि RNA में थायमिन के प्लेस पे क्या होता है, यूरेसिन, तो यहाँ आएगा यू। ठीक, सी के जगह पर सी के साथ में क्या आएगा, जी, जी के साथ में सी, थायमिन, तो ए यू किस, यहाँ यू नहीं आएगा, यहाँ पर सी है ना, सी के साथ में क्या आएगा, जी, जी के साथ में सी, फिर यहाँ पर अगेन ए। तो इस तरह से ये इसके क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री। तो जब भी mRNA को कोड किया जाता है DNA से वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग, उसमें क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग होगी। इस तरह से ये जेनेटिक कोड और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। अब आप सभी की बुक में बेटा एक जेनेटिक कोड के लिए टेबल दी होगी, लगभग सभी राइटर्स की बुक में है, उसको हम कैसे रीड करते हैं और कैसे 64 कोडोन्स काउंट किए जाते हैं वो भी आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए इस तरह से आपके इसमें करीबन 64 ब्लॉक्स होंगे। अभी फिलहाल मैं आपको 60 सैंपल के लिए एक दो ही बताऊंगी। ठीक, यहाँ पर इस तरह से फर्स्ट कॉलम नीचे की ओर, सेकंड कॉलम राइट हैंड, फिर यहाँ पर थर्ड कॉलम होगा, फिर डाउनवर्ड। कैसे कोड किया जाएगा, भाई बेसिकली हम जानते हैं कि चार नाइट्रोजन बेस है mRNA के लिए, क्या है, एक तो यू, ए, सी और जी, यहाँ भी वही क्रम रखेंगे, यू, ए, सी और अगेन जी। ठीक है, यहाँ पर जी रख देंगे। अब यहाँ पर थर्ड सीक्वेंस बनाते वक्त थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हर एक कॉलम में ये चारों लिखना है, यू, ए, सी और जी। बस अब क्या करना है, अब हमको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, देखिए पहले तो हम इनका और इनका कर दें डबल यू, ठीक है, फिर इसका डबल, कितनी बार करना है हमको, चार बार करना है, क्लियर। अब इन चारों में इनका करना है, कैसे, इधर से लेंगे यू, ए, सी और जी, हो गए फोर कोडिंग। ऐसे हर एक ब्लॉक में कितने आएंगे, फोर कोडोन्स आएंगे। एक और मैं आपको ट्रायल के लिए बता देती हूँ, अब इसका किस में हम करेंगे, इसमें करेंगे। तो पहले तो हमको चार बार क्या करना है, यू का ए में करना है, यू ए, यू ए, यू ए, यू ए, अब बस हमारे पास ये हो गई, अगेन वापस से इन फोर का हमको इसमें करना है, तो क्या आएगा, यू, ए, सी और जी।
इस तरह से हमें ये पूरी कितने कोडॉन्स प्राप्त होंगे 64, जिसमें से 61 अमीनो एसिड को कोड करेंगे, देन रेस्ट ऑफ ऑल 3 जो है वो नॉनसेंस कोडिंग कहलाती है। क्लियर आपको समझ में आया? इसी तरह से हर एक कॉलम में आपको UACG पूरे 4 उसका नाइट्रोजन बेस का क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। पर पहले आप ये फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड कॉलम का ईच एंड एवरी वन में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो इस तरह से आपको टोटल कितने मिलेंगे, 64, जिसमें से 61 जो हैं वो अमीनो एसिड के लिए रहेंगे और 3 जो है वो नॉनसेंस कोडिंग होती है। ठीक है, इस तरह से ये टोटल जेनेटिक कोड के बारे में आज हमने पढ़ा, एक कैसे कोड करते हैं, कैसे ट्रांसक्रिप्शन और आगे ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया बेटा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें। थैंक यू।